subscribe Dishas home recipe and press bell icon for more videos. Hello, welcome to Dishas home recipe. Friends, आज हम बनाने जाएंगे एक बहुत ही टेस्टी स्नैक्स चीज़ी कॉर्न कैप्सिकम ग्रिल सैंडविच. चीज़ी कॉर्न कैप्सिकम ग्रिल सैंडविच के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए चॉप्ड ओनियंस. ओनियंस ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिए नहीं तो चलेगा. और ये कॉर्न को हमने बॉईल कर लिया है और इसे अच्छे से क्रश्ड कर लिया है. ये हमने दो बड़े मीडियम साइज आलू बॉईल कर लिए हैं और इसे मैश कर लिया है. और ये हमने बारीक कैप्सिकम भी काट लिया है. और ये ब्लैक पेपर, चाट मसाला, थोड़ा रेड चिली पाउडर, ग्रीन चिली, नमक, प्रोसेस चीज़, बटर और ये मीडियम साइज़ की हमने ब्रेड ली है. ये देखिए, पहले हम ये स्टफिंग रेडी करेंगे. उसके लिए मैंने नॉनस्टिक पैन में से 1 स्पून ऑयल लिया है. हम एकदम ऑयल फ्री मसाला रेडी करेंगे. सबसे पहले हम इसमें ये कैप्सिकम डाल देंगे, कॉर्न डाल देंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. फिर हम ये बॉइल्ड पोटैटोज डाल देंगे और फिर हम इसे अच्छे से लो फ्लेम पे मिक्स करेंगे. हमें मसाला बहुत पका नहीं देना है, सैंडविच का मसाला है ये, इसे पकाना नहीं है बहुत, बस थोड़ा सा ही फ्राई कर लेना है. अब हम इसमें सबसे पहले ये सॉल्ट डाल देंगे एज पर टेस्ट. फिर यहाँ हम चाट मसाला डालेंगे. फिर ये ब्लैक पेपर डाल देंगे, ये ग्रीन चिलीज डाल देंगे, रेड पेपर डाल देंगे और हम ये हमने ये जो मेल्टेड बटर लिया था वो डाल देंगे. और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. ये देखिए, हमारा मसाला पक गया है. अब हम इसमें ओनियंस डाल देंगे ताकि ओनियंस का क्रंची टेस्ट इसके अंदर आए, इसे हमने इसे लास्ट में डाला है. इसे हमें थोड़ा खड़ा खड़ा रखना है ताकि सैंडविच का मजा आए. ये देखिए, हमारा सैंडविच का स्टफिंग रेडी हो गया है. ये देखिए, मसाला रेडी. अगर आपको इसमें कैरेट, मटर भी डालना है तो भी आप डाल सकते हैं. स्टफिंग रेडी. अब हम ये ब्रेड लेंगे. इस पे बटर लगा देंगे अच्छे से. आप सॉस लगाना चाहें तो सॉस भी लगा सकते हैं. तो चिली सॉस भी आप इस तरह से लगा सकते हैं. और फिर अब हम ये स्टफिंग इसमें भरेंगे. और फिर अब हम इसमें चीज ग्रेट करके डालेंगे ताकि इसमें चीजी टेस्ट आए. बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है. और अब हम इसमें ये थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे, ब्लैक पेपर और फिर हम इसे ग्रिल कर लेंगे. ग्रिल कर लेंगे ताकि एकदम चीजी अच्छे से रेडी हो जाए. ये देखिए, अब हमारा ये सैंडविच अच्छे से ग्रिल्ड हो चुका है. अब हम इसे कट करेंगे और इसे चिली सॉस के साथ सर्व करेंगे. ये देखिए, कितना चीजी कॉर्न सैंडविच हमारा रेडी हो गया है. ये देखिए, यम्मी चीजी ग्रिल कॉर्न कैप्सिकम सैंडविच ready to serve.
अगर आपको मेरी चीज़ ग्रिल्ड कॉर्न कैप्सिकम की सैंडविच अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।